वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हेमंत एंड यू आर वॉचिंग एसी गेमिंग। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्कनेस राइजेज, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टोरी मोड में ये गेम काफ़ी ठीक लग रहा है। स्टार्टिंग आज मैंने की है इसकी, थोड़ा देखा तो ठीक लग रहा था, बट ग्राफिक्स थोड़े से मुझे कम लगे थे। काफ़ी सारे बंदों ने ये गेम खेला है और बताया कि काफ़ी अच्छा था ये गेम, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे गेम बोरिंग कम होते हैं, थोड़ा एंटरटेन ज़्यादा हो जाता है इनसे। यहाँ पर आप इसका खतरनाक एकदम ट्रेलर भी देख रहे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव है। आजकल जितने भी गेम बन रहे हैं उसमें कैरेक्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनकी एबिलिटी पावर वगैरह मोबाइल के हिसाब से काफ़ी कुछ डाला जा रहा है। इसमें भी काफ़ी सारे बटन्स हैं, अभी तो आज थोड़ा ट्यूटोरियल टाइप चल रहा था, सिखा रहे थे। राइट हैंड पर आप देख सकते हो कि वॉरियर, विजार्ड करके अशासिंस, आर्चर, विचेस, ये सारे आपके टाइप्स हैं कैरेक्टर्स के, और उन्हीं टाइप्स में आपको चार प्रकार के और मिल जाते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों टाइप के हैं। वॉरियर्स जैसे कि लड़के होते हैं, तो उसके लिए लड़कों का कैरेक्टर है, लड़कों की भी ड्रेसअप जो है एक किंग टाइप की है, काफ़ी औसम दिखाई दे रही है। उसी के साथ कुछ एक विजार्ड वगैरह है, विजार्ड में जैसे विचेस टाइप जो होती है वो विजार्ड में ही डाल दिया है, तो विजार्ड लड़के भी होते हैं, तो शायद से इन्हें कुछ एक लड़कों का भी कैरेक्टर डालना चाहिए था, बट लड़कियों का डाल दिया है अट्रैक्टनेस करने के लिए, अट्रैक्ट लोगों को करने के लिए। देख सकते हो कि काफ़ी जो इनके बाल वगैरह हैं, कपड़े वगैरह हैं, वो हिलते हैं, मतलब कि एक नेचुरलिटी फील आती है। बाकी कई गेम्स ऐसे थे जैसे कि ड्रैगन राजा भी था, उसमें अगर ड्रेस हवा में है तो वो हवा में ऐसा लगता था जैसे प्लास्टिक की है, तो उसमें इसमें वो चीज़ नहीं है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना दोस्तों कि आपको ये गेम कैसा लगा है, इसका ट्रेलर वगैरह, और आज जो स्टार्टिंग देखकर आपको कैसा लगा। आगे की तो मैं कह नहीं सकता कि गेम कैसा होगा। गेम प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा आपको, पूरी तरीके से अवेलेबल है, मोस्टली मुझे लगता है सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, सबके में अच्छे से चल जाएगा, कोई ज़्यादा MB का भी नहीं है। प्ले स्टोर से तो लगभग 79 MB का समथिंग का कुछ है, उसके बाद अंदर जाके 350 के आसपास MB की अपडेट आती है। यहाँ पर आर्चर मेरी फेवरेट हुआ करती हैं, लेकिन आर्चर थोड़ा सा बच्ची बना दी हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फील हुआ। में जो कट सीन्स है वो भी बहुत ऑसम है, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा पहला कट सीन। The orcs struck without warning or mercy. Cities burned. The land was soaked in blood. The orcs left nothing but misery and ruin in their wake. This wave of carnage now beats against Iron Guard. This border fortress is all that stands between the kingdom of Losteria and certain destruction. तो यहाँ पर जैसे आपने देखा एक किंग लड़ता है और बाद में एक बड़ा जाइंट आ जाता है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी डॉटर होती है वो अपने साथी को बुलाती है कि आओ भैया थोड़ा मदद करवाओ, तो यहाँ पर अब हम उसकी मदद करने के लिए उसी के साथ, उसकी बेटी के साथ जाते हैं उस किंग को बचाने के लिए। यहाँ पर पहले थोड़े बहुत ट्यूटोरियल वगैरह दिखाए जा रहे हैं, उसको कम्प्लीट करने के बाद हम सीख जाएंगे, अभी तो काफ़ी सारी स्किल्स भी ओपन होना बाकी है।
Watch out, Clara! Thank you. So, you can do it too, it seems. Of course. I put in all the work to learn how to do this, and you just... Oh, anyway, let's get going. Clara, no! It's too dangerous here. I got it! Hey, ugly! Over here! तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। कल से इस गेम को हम करेंगे कंटिन्यू। नो नो देयर इज नो टाइम, वी नीड टू रेस्क्यू द वाउंडेड बिफोर मोर ऑफ देम अपीयर।